चलो भाई घर चले। 5:30 हो रहे हैं सुबह के और बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है। डैडी को मैंने एक काम बोला था, पूछता हूँ कि वो हुआ या नहीं हुआ। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ भैया कैसा है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह भैया, तो काम बोला था वो हो गया? हाँ हो गया। तो बहुत जल्दी कन्फर्म? हाँ हाँ चल सही है। ओके थैंक यू मेरी। ओके भैया अल्लाह हाफिज़। स्पीड मार लाली। पहली एनिवर्सरी है मेरी, बेगम के बगैर कैसे रह लें। तो चलो पंजाब चलें। अस्सलाम वालेकुम मैंगो पीपल, हाउ आर यू, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, ज़ारेब का व्लॉग, एंड दिस इज आवर फर्स्ट एनिवर्सरी का व्लॉग। तो गाइज अर्जेंसी पे मैंने डैडी को फ़ोन किया। मैंने बोला भाई 5 बजे सहरी करने के बाद मैं थोड़ी देर बैठा हुआ था, तो मैंने बोला यार नहीं मतलब जमेगा नहीं अगर मैं जनाब के बगैर, मतलब पहली एनिवर्सरी है सेलिब्रेट करें नहीं करें साथ होना ज़रूरी है। तो 7:30 बजे की एयर सियाल अवेलेबल थी। मैंने डैडी को बोला फ़ोन करके कि भाई ऑनलाइन बुक कर दे, देख ले यार अगर टिकट मिल रही है तो, क्योंकि अवेलेबिलिटी थी। और फिर डैडी ने बोला कि टिकट मिल गई है। 7:30 बजे की फ़्लाइट है अभी, और अभी बज रहे हैं 6:34। 20 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट में तय करना है, फ़ौरन पहुँचना है एयरपोर्ट, गाड़ी करनी है पार्क और सीधा कराची से लाहौर। थोड़ी ख्वारी है, क्यों है? इसलिए है क्योंकि कराची से मुल्तान की डायरेक्ट फ़्लाइट आज कोई भी ऑपरेट नहीं कर रही थी, तो कराची से लाहौर जाना पड़ेगा, लाहौर से फिर हम गाड़ी लेंगे और वाया गाड़ी हम जाएंगे ऑल द वे टू मुल्तान और करेंगे अपनी बेगम मिसेज एलके को सरप्राइज़। तो आप लोग भी मेरे साथ रहें और टेक्नोलॉजी के थ्रू मेरे साथ चलें। 10:45 हो रहे हैं और आपका भाई जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया है। जो यहाँ से लेके हो वहाँ तक जाने की ख्वारी है ना पैदल, वो बहुत लंबी है और टाइम जो है ना वो है बहुत शॉर्ट, 40 मिनट रह गए। देयर इज़ अ ब्लंडर, वो ये हो गया है कि इन्होंने चेक इन जो है ना वो क्लोज़ कर दी, और अभी भी 38 मिनट से जब मैं गया था और मैं इतनी दूर से भागता हुआ आया हूँ, मगर अभी जो है ना सुन नहीं रहे हैं लोग, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भंड हो जाए बस। यार मैं 38 मिनट्स पहले जो है ना फ़्लाइट से आ गया था, मगर जो है वो इन्होंने कहा चेक, इन्होंने जो है बोर्डिंग क्लोज़ कर दी थी, नहीं जाने दे रहे थे। एक आंटी रोना धोना लगा रही थी, इतना रोई हैं आंटी, पता नहीं उनका कोई इमरजेंसी केस होगा, तो इन्होंने उनको भी नहीं जाने दिया। एक अंकल की मीटिंग थी और एक अंकल की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उनको भी नहीं जाने दिया। एयर सियाल वॉज़ नॉट कोऑपरेटिव एट ऑल, हालांकि PIA हो, फ्लाई जना हो, एयर ब्लू हो, हम लोग 15 मिनट पहले भी आए तो उन्होंने बोर्डिंग करा दी थी, मगर इन लोग के पास तो 38 मिनट पहले आया था गिन के, क्योंकि लॉन्ग पार्किंग में गाड़ी लगाई थी। हाँ वेरी पैथेटिक, क्या बोल सकते हैं सर, क्या बोल सकते हैं। तो बस अब जो है ना वो बोल रहे हैं अगली फ़्लाइट 1 बजे की, मगर एयर सियाल की फ़्लाइट जो है वो 1 बजे से इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद से 6-7 घंटे की ड्राइव है लाहौर की, मुल्तान की। अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, और प्रोग्राम बढ़ना शुरू हो गया, बहुत इतनी दूर मैंने गाड़ी लगाई, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं असल में चाह रहा था कि जितना सुबह और जितना अर्ली पहुँच सकूँ ना, ताकि जरनाब उठें और वो उनको पता नहीं लगे कि मैं घर पे हूँ या कहाँ हूँ, पता नहीं अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर है। लेट्स सी, बात करता हूँ जाके क्या पंचायत है यार, पूरा सारा मोराल गिरा दिया अल्लाह की कसम यार, आज बहुत नुकसान हो रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ओए भाई क्या करें, बहुत गंदी करी है एयरसेल वाले ने मेरे साथ, अल्लाह करे इनका खाना ख़राब हो गया। खाना एक आंटी जो है ना बेचारी इतनी रो रो के गई ना, मेरा तो अपने से ज़्यादा उनके लिए दिल ख़राब हो गया। और अब 12 बजे नेक्स्ट फ्लाइट है, तो 12 बजे अगर मैं यहाँ से उड़ता हूँ तो 2 बजे पहुँचता हूँ, तो 3, 4, 5, 6, 7 बजे मैं पहुँचूँगा जरनाब के पास। अब वो 10 दफ़ा फ़ोन करेगी ना, होशियार है बहुत कि मैं लेट रिप्लाई कर रहा हूँ पकड़ लेंगी। अभी मैं क्या करूँगा, मुझे घर नहीं जाना है यार जी। सुबह टिकट आ गई है, अब चल के रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई बैठने दो किसी लॉबी में ताकि टाइम पास हो जाए, क्योंकि मुझे घर नहीं जाना, 4 घंटे रह गए, मैं 4 घंटे घर नहीं जा सकता, आने जाने में मैं रोल जाऊंगा, क्योंकि मुझे वहाँ दूर तक पार्किंग भी नहीं जाना है। अब घर तो जा नहीं सकता, तो PIA में होते हैं एक अंकल, वो पहचान के उन्होंने बोला कि आप यहाँ आके हमारे ऑफिस में बैठ जाओ, 9 बजे हम आपको अंदर करवा देंगे। तो लेट्स सी, 2-1.5 घंटा अब यहाँ बैठना है, उसके बाद 9 बजे अंदर होंगे, तो फिर मैं लाउंज में जाके जाऊँगा, मोबाइल वोबाइल चार्ज करूँगा, 2 घंटा सो जाऊँगा।
अब बस खैर से पहुंच जाऊं कि सरप्राइज़ ही रहे अगर ना आपको शक ना हो, मगर एयरसेल वालों ने बहुत गंदी करी अल्लाह की कसम यार। पहली दफ़ा हुआ मेरे साथ ही, पहली दफ़ा ज़िंदगी में पहली दफ़ा। हालांकि मेरी फ़्लाइट मैं बहुत भाग के आया हूँ, मतलब मैंने बहुत अर्जेंसी में कराई, डेढ़ घंटा पहले फ़्लाइट कराई है, दो घंटे पहले मैंने। 8:45 हो गए हैं और 12 बजे की फ़्लाइट है और मैं बस अब बेहोश होने वाला हूँ, ऐसी नींद आ रही है, पता नहीं कभी जाऊँगा। 9 बजे अभी और PIA वाले जो अंकल थे उन्होंने मुझे जो है ना अंदर भिजवा दिया कि भाई तुम अंदर जाके अब सुकून से बैठ जाओ और थोड़ी देर में शायद ये लोग आ जाएंगे, स्टाफ जो है एयरब्लू का, तो फिर मैं जाके अपने वाले लाउंज में बैठूंगा और थोड़ी देर सो जाऊंगा यार, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है अल्लाह की कसम, बहुत ख़तरनाक वाली नींद आ रही है। सारा प्लान मैप सारा ख़राब हो गया यार। फाइनली मैं अपने लाउंज में आ गया और मुझे जो है मस्त बस मोबाइल चार्ज पर लगा दिया, अब का भाई सोएगा, फ़्लाइट के टाइम पे उठेगा। मैंने को बोला बस बिल्कुल आखिरी जब बोले ना, आखिरी दफ़ा बोले कि लारिब साहब आ जाओ तब उठा। 11:30 हो गए, चलो पहले लाहौर चलता है। अस्सलाम वालेकुम मैंगो पीपल, हाउ आर यू, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू व्लॉग ज़ारिब का व्लॉग। तो आज का व्लॉग क्या है, आज का व्लॉग है हमारी एनिवर्सरी का व्लॉग, जो कि हम अलग अलग शहर में बैठ के व्लॉग बना रहे हैं। और कल कह रही हूँ, पिछले साल इस टाइम मैं घर से रो धो के अपनी अम्माओं को मिल के, अपनी अम्मा को, खाला को, बहनों को, सबको मिल के सलोन जा रही थी। और मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत डिसीजन, मेरा बेहतरीन 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 फ़ैसला था ये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमें नज़रे बद से बचाए और हमेशा साथ रखे, खुश रखे, सलामत रखे। दूसरी बात ये कि कभी भी नहीं, मतलब अभी सोच के ऐसा लग रहा है कि वाकई ऐसा हुआ था, मतलब हो गया है निकाह, शादी भी हो गई है, मतलब बिल्कुल ना एक अनरियल सी फीलिंग लगने लग जाती है इंसान को कि कितनी जल्दी ज़िंदगी गुजर गई है। मुझे अभी भी ऐसे लग रहा है कि अभी तो मैं कॉलेज में थी, इतनी जो स्कूल हुआ था अब भी कॉलेज हुआ था, तो मतलब इतनी जल्दी टाइम गुजर गया है ना कि पता ही नहीं चला, और अब शादी हो गई है, मतलब अब तो क्या ही बात हो गई। खैर बस आज ऐसे ही घर में ही नॉर्मल रूटीन बनेगी। मामा को मैंने बोला है कि मुझे सालन बनाना सिखाएं बीफ, क्योंकि उस दिन तो मैंने बीफ बनाया था ना गाइस, वो स्टोरी में इसलिए आपको देखने को नहीं मिला क्योंकि बीफ मुझसे गला ही नहीं, ठीक है, मेरा बीफ फ्लॉप हो गया। तो अभी मैं मम्मा से सीखूंगी बीफ, और बीफ कुकर में पहले उसको गलाते होते हैं, जो कि जरना फातिमा को नहीं पता था। तो अभी मैं कपड़े चेंज करूंगी क्योंकि मैं कल भी इसी सूट में थी, लेकिन घर में कोई रोज़ रोज़ कपड़े चेंज नहीं करता, मतलब क्या जब किसी ने बाहर नहीं जाना होता तो कोई क्यों कपड़े चेंज करता। कल मैंने दोपहर में पहने थे, लेकिन फिर भी अभी मैं अपने अब्बू के कमरे में आई हूँ, अपने अब्बू की कोई शर्ट चोरी करती हूँ वो पहनती हूँ, फिर खाना बनाएंगे, बस नमाज जब होगी नमाज पढ़ूंगी और नमाज के बाद शुक्राने के नफल अदा करूंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बेहतरीन साथी से नवाजा है और ये बहुत बड़ी नेमत होती है एक लड़की के लिए, और लड़के के लिए भी ऑब्वियसली, मतलब दोनों की सेम ही चीज़ होती है। तो बस फटाफट से उठते हैं, अब्बू की शर्ट चोरी करते हैं, चेंज करते हैं और फिर मम्मा के पास जाते हैं, बीफ बनाते हैं। ये अपने अब्बू की शर्ट पहनने लगी हूँ मैं मेरे अब्बू का नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो जैसे मैंने देखा कि अब्बू का नाम लिखा हुआ है तो मैंने कहा मैं ये पहनूंगी, अब मैं अपने साथ लेकर जाऊँगी। टना ये हो गया कि अब ट्राउज़र भी चाहिए, चोरी करूँगी अपने भाई का, क्योंकि मेरा भाई अभी सो रहा है। तो आपके कपड़े कहाँ पड़े? मेरे कपड़े हैं ही नहीं। एक ट्राउज़र नहीं दे सकती अपनी बहन को, ये क्या क्या करेगी ज़िंदगी में? लैंड हो गए, थोड़ा सा नैप भी ले लिया, ड्राइवर भाई आ रहे हैं, सामान लेते हैं, केक लेना है, बुके लेना है, उसके बाद हमने निकलना है मुल्तान। छोटी मोटी सेलिब्रेशन जो है वो हम कराची पहुँच ही करेंगे इंशाल्लाह, मगर अभी जनाब के लिए सबसे ज़्यादा आई गेस खुशी का मोमेंट ये होगा कि मैं साथ हूँ, और मेरे लिए भी यही है कि हम साथ हों, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। लाहौर की नगरी में आ गए हैं, अब जो है ना मिशन चल रहा है हमारा फूल ढूंढने का, एक भाई के पास फूल देखे, उनके फूल जो है ना वो बहुत मुरझाए हुए थे लोगों के दिलों की तरफ, तो अभी दूसरी जगह पे जाके देख रहे हैं। कराची वाला शशका नहीं मिल रहा, मेरा फूल वाला हो गया था बंद। फ्लावर्स का तो नहीं पता अभी, खैर केक आपके भाई ने ले लिया है, केक डन हो गया, केक आ रहा है पैक करके भाई दे रहे हैं, बस फटाफट से फ्लावर्स लेने और फिर सीधा भागना है मुल्तान।
3.5 घंटे का सफर। अब तो मैंने लिया लोटस केक। ये हमारे साथ हैं अली भाई। अली भाई जो है वो हमें लेके जा रहे हैं यहाँ से मुल्तान। इन्होंने बोला कि भाई तुम यहाँ से फूल ले लो, हम रास्ते में से एक जगह है वहाँ से बिल्कुल फ्रेश फूल मिलते हैं तो वहाँ से जाके फूल लेंगे। अभी हमने किसी केक लिया है और अब हम मंजिल की तरफ रवा दवा हो। पत्तों की क्रॉस कर रहे हैं और पूरी पूरी नर्सरीज बनी हुई यहाँ पे, बुके वाले भी हैं, मगर मसला ये है कि रेड रोजेज अवेलेबल किसी के भी पास नहीं है। इस तरह फूल पड़े हुए हैं मगर कोई बना के नहीं दे रहा। अली भाई जो है ना वो फुल खतरनाक तरीके से ना फूल निकलवा रहे हैं और हमें मिल गए भाई, ये कुछ ना कुछ तो मिल गया है। मगर यहाँ पे जिस तरह वो अपने अच्छे वाले बटर पेपर होते हैं ना, वो वाला सिस्टम नहीं है। तो बस जो मिल रहा है वो चलती का नाम शुक्रिया कर रहे हैं क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा। पत्तोगी पे हम लोग पता नहीं कितनी जगह रुके हैं और लाहौर में भी कोई इतना खुला हुआ नहीं था, जो एक दो दुकानें थी वहाँ पे भी रोजेस थे ही नहीं, उनके बोले वो आ ही नहीं रहे हैं। अभी अंकल है इनसे बनवाते हैं भाई, फिर जाते मुशक्कत चल रही है बहुत मुशक्कत। अंकल से रिक्वेस्ट करिए कि यार आप देख लो अगर ब्लैक पेपर मिल जाए तो, ब्लैक पेपर भी ग्लॉसी टाइप वाला है, यहाँ पर कुत्ता वत्ता नहीं आ जाए। नर्सरी के बाद सीधा ट्रेन का ट्रैक आ गया, इसका मतलब है कि मतलब समझो कि अपन फुल खतरों के खिलाड़ी होंगे, ट्रेन पर भी जा सकते हैं। सर्राती सर्राती रफ्तारे हैं, आगे बस मंजिल है, टैं 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 ढड़ंग ढड़ंग। आओ सालो आओ, आजा आजा। कैसे हो भाई, ठीक हो? कैसे हो, ठीक हो? बैठो, हंस के दिखा दो, इतना गुस्से में क्यों बैठे हो, रोजा लग रहा है? चलो भाई चलो, अपना अपना टेरिटरी नहीं है, भागो लली भागो। बड़ी मेहनत से ये इस तरह का देसी गुलदस्ता तैयार करवाया अली भाई ने, फोटे पे लगवा लगवा के। बस अब कोई स्टॉप नहीं, अब सीधा भागना है, मैं बोला बस फौरन पहुंच जाए। असल में हमने जो है ना वो स्टॉप बहुत ले क्योंकि हमें काम भी थे और चीज़ें भी ढूंढनी थी। अभी 5:30 हो रहे हैं और ऐसा ही लग रहा है कि रोज़ा जो है ना वो रास्ते में ही खुल जाएगा, क्योंकि अभी हम क्रॉस कर रहे हैं साहिवाल और अभी भी मज़ीद 1.5 से 2 घंटे का हमारा सफ़र रहता है। साहब क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं। ठीक है भाई ठीक है, तुम लोग चले जाओ, हम नहीं जाते। मेन जीडी रोड भाई, इफ्तारी में सिर्फ 9-10 मिनट रह गए हैं तो मैंने बस समोसे गर्मा गर्म थोड़ी सी मंचिंग कर लेते हैं और थोड़े पकौड़े खा लेते हैं, उसके बाद वापस से अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। टू शोर मचाले इसके लिए। कैसे हो भाई, ठीक हो? सब सेट है? गर्म देना गर्म। दस से 12 मिनट का सफ़र रह गया और मेरा पेट्रोल हो गया पूरा का पूरा ख़त्म। गाड़ी का नहीं पता पर मेरा तो ख़त्म हो गया। हैप्पी फर्स्ट निका एनिवर्सरी बेगम, प्यारी प्यारी मेरी। मेरा दिल बाहर आने लगा है, ऐसे बैठी हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी बुड्ढे। अबे बहुत ख्वारिश है, मैं तेरे को नहीं पता भाई, जब आ नहीं था तो फिर भेजा क्यों था मुझे? हैप्पी एनिवर्सरी इतना रोते रोते आई थी तो बस मत क्या बताऊँ मैं देखो साली, मार दूँ देखो मार दूँ तेरे, तेरा पापा के चक्कर में खुआरी मारूँ नीचे से। ओके मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मैसेज किया, मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, मैंने इतना इमोशनल होकर मैसेज किया था आपको। क्या मैसेज कर रही है? नहीं दिखाऊंगी अभी, चले मैं यहाँ लगा दूंगा। गाइस मुझे नहीं पता मैं ऐसे ऐसे आया हूँ गाड़ी में। तो आप कब निकले? ये सब मैं आपको आके बताता हूँ। मम्मा भी इधर ही है? क्या फारसी बोली अभी आपने? ओवर एक्टिंग तो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यार। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पंजाब के मच्छर होते हैं ना, देखा जो पंजाब के मच्छर होते हैं ना, वो होते हैं एकदम ऐसे सांडे होते हैं मच्छर, मगर कुत्ते के साइज जितने होते हैं और लूसी होते हैं, ऐसे ही ऐसे मार दो। कराची को तो रॉकेट
फास्ट फूड बिल्कुल ऐसे ऐसे जाते हैं वो रॉकेट मार एक बाप को मार के देखा दो एक बारी में ऐसे ये होते हैं भारी खानदानी देसी घी वाले होते हैं ना तो हमारे वाले उड़ा ही नहीं जाता हाँ इनसे ये हमारे हैप्पी बर्थडे बिल्ली 12 बज गए सबसे पहले मैंने विश किया है ये दो केक्स हैं जो मैं और अहमद लेकर जा रहे हैं हिजाब के लिए चलो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर ये ले आपके दो केक्स दिस वन इज फ्रॉम योर जीजा जी टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर बिल्ली हैप्पी बर्थडे टू यू उम्र हो गई है चचा चबा कर खाए अब आई बर्गर आपने बर्गर कब बोला था विंग्स बोला था ना चुपचाप खाएं अहमद भाई गर्मा गर्म पिज्जा भी लेकर आया हमारे लिए जो कि बहुत ही बेहतरीन है वाओ मगर शहरी का जो केक है ना सारी गेम इसकी है थैंक यू सो मच सर फॉर योर सर्विसेज मींस अ लॉट मुल्तान को जो है वो एक बॉल पे एक रन चाहिए इस्लामाबाद और हम बोल रहे हैं मुल्तान किसी भी तरीके से सुपर ओवर हो जाए एक ओ और लारिफ खालिद ने कहा था कि कतरी लग के चौका हो जाएगा कोई सुन नहीं रहा था अब मैं क्या करूंगा एक्सपीरियंस मैन एक्सपीरियंस बिल्ली सचदाना ने ऐसे बोला था दो चीजें बोली थी वही उनमें से कोई बचपन से देख रहे बचपन के हो गए मुल्तान के लग गए लहसन के तड़के अबे हम तो बिहाड़ी के हैं ना बिहाड़ी की टीम ही नहीं है इसका मतलब हमारी बिहाड़ी की मुल्तान ही टीम है इधर आए इधर आए इधर आए इधर आए इधर आए छोटू हाँ भाई तो कैसा लगा आपको सरप्राइज ईमानदारी से सच्ची सच्ची कैसा लग सकता है मुझे क्या पता ड्रामे 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 आपको सब पता है मुझे बहुत अच्छा लगा जाहिर सी बात है क्यों अच्छा नहीं लगना था आया मैं यार मेरी ना मैम गाइज एक तो आप लोग कमेंट्स भी थे दूसरा ये कि मैंने जो है ना वो कोशिश की थी कि हम सेलिब्रेट बाद में भी करें या अभी नहीं कर सके तो मैंने बस हम दोनों साथ हों तो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है तो इसीलिए मैंने बोला कि बस हमारा साथ होना ज़्यादा ज़रूरी है सेलिब्रेशन करेंगे रुको ज़रा सबर करो आएगी ना बेगम ने कुछ प्लान किया था मैंने सुना मेरे कपड़े शपड़े बनाए हुए अब क्या फ़ायदा वो रहा चांद ये रहा मेरा चांद कितना खूबसूरत चांद लग रहा माशाल्लाह आप ये देखो मैं भी वही देख रहा हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है वाओ सस्ती शायरी अच्छा गाइस तो जरना आपको नहीं पता कि पूरी ख्वारी क्या थी 5:30 बजे टिकट कराई 7 बजे जहाज उड़ गया मुझे लेके नहीं उड़ा आपको ब्लॉग में दिख जाएगा फिर मैंने 12 बजे की फ़्लाइट कराई 4 घंटे मैं एयरपोर्ट पर ही बैठा रहा सोया उठा बैटमैन है चिपक जाती है कान पे उतरती नहीं है कुछ नहीं होता इधर आ जाए डर लगता है फिर जो है 2:15 बजे लैंड करूँ 2:30 बजे लौट से निकलाऊँ 7:30 बजे यहाँ पहुँचूँ आप लोगों को सब पता आप देखते पाए हो और यही अगर आप अपनी बेगम के साथ आ जाती तो आपको इतनी खवारी ना करनी अगर आप रोना धोना नहीं डालती तो मैं नहीं आता मैं सुकून से आज मैच खेल रहा था आज हमारा मैच था सीरीज थी आज सीरीज थी मैं बच्चों ने बोला भाभी को बोला वहीं रहे अभी वही ना यहाँ पे रेस्ट करें रेस्ट दूसरी चीज़ ये कि
माशाल्लाह बहुत मुबारक हो आपको। मुझे ही मुबारक हो, हमें एक साल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया माशाल्लाह। और आप मेरे एक साल से निकाह में 100, 200, 400 साल तक रहेंगी इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह ताला हमें और जिनकी शादी हुई उन सबको बहुत खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे और अपनी हिफाजत में रखे, सबकी जोड़ियों को सलामत रखे। हमारे सारे दोस्तों की सबकी जितनी जोड़ियाँ उन सबको अपनी हिफाजत में रखे, हासिद बुरी बलाओं से बचा के रखे और बहुत खुश रखे और बहुत नवाजे और उनके और सबके रिस्क रोज़ी में बरकत और इजाफा अता फरमाए। आई लव यू एंड उम्मीद है कि आपको मेरा आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वो अलग बात है कि मुझे 2 पेनल्टीज़ लगी हैं। अच्छा गाइज़, मैं आप लोग एक और बात बता रहा हूँ, ये आप लोग को मैंने व्लॉग में नहीं बताया, ये मैं बता रहा हूँ। 17 तारीख की मैंने टिकट कराई थी कि मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, फिर मैंने बोला कि यार रेलेवेंसी नहीं बनेगी क्योंकि उस वक्त ताज़ा ताज़ा रोई थी, तो मैंने बोला मैं जा रहा हूँ फ़ौरन। और मुझे 17 को बार बार ऐसा लग रहा था कि लारे बाज जाएंगे, और जब 17 को आप नहीं आया ना, मेरा दिल ऐसे हो गया। फिर मैंने बोला कि मैं 18 को जाता हूँ, और यकीन मानो मेरी 2 दफ़ा टिकट कैंसिलेशन हुई है, तो समझ लो मेरे 1 टिकट के 2 टिकट के पैसे हो गए क्योंकि फ़्लाइट ने बहुत सारे एयरलाइन ने बहुत सारे पैसे काटे। खैर, उम्मीद है आप लोग हमारा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरा यहाँ पर आना भी अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने आप लोगों की बात भी मानी है। आप लोग कमेंट्स कर रहे थे, इत्तफाकन मैं रस्ते में ही कमेंट पढ़ते हुआ था मैं लाली, तो लोग ये चाह रहे थे कि मैं लाली जाए, और मैंने पता स्टार्ट कैसे किया था, थैंक यू गाइज़ लाली, अब व्लॉग देखना आप सही। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, मेक दिस चैनल 700K स्ट्रॉन्ग एज सून एज पॉसिबल। लाली आउट, लाली की बेगम भी आउट, बर्थडे गर्ल भी आउट। बर्थडे गर्ल छुप क्यों रही हो भाई, छुप क्यों रही हो? ओके द